बॉलीवुड में एक दो नाम ऐसे हैं जो शायद एक समुदाय का रहनुमा बनने का दिखावा करते हुए उन्हें लगातार उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है जावेद अख्तर, जो फिर से अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज कुख्यात संगठन तालिबान की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से करना जावेद अख्तर को भारी पड़ता दिख रहा है। भाजपा कार्यकर्ता मुंबई में स्थित उनके घर के सामने लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर ने कुख्यात संगठन तालिबान की तुलना आरएसएस और बीएसपी से करते हुए ये कहा था कि आरएसएस का समर्थन करने वाले लोगों की मानसिकता भी तालिबानियों जैसी है। जो लोग आरएसएस का समर्थन कर रहे हैं उन्हें अपने दिमाग की जाँच करानी चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जावेद अख्तर के किसी बयान ने हंगामा खड़ा किया है। इससे पहले भी वो कई विवादित बयान दे चुके हैं। जावेद अख्तर ने साल 2020 में दिल्ली में भड़की हिंसा के मामले में भी एक ऐसा बयान दिया था जिसके कारण उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। जावेद अख्तर ने उस वक्त कहा था, कई लोग मारे गए, कई घायल हैं, कई घर जला दिए गए, कई लोग बेसहारा हो गए, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक घर को सील किया है, उसके मालिक की तलाश कर रही है। दुर्भाग्य से उसका नाम ताहिर है। पुलिस के सामंजस्य को सलाम। ताहिर को समर्थन दिखाने के चलते जावेद अख्तर के ट्वीट पर काफी विवाद हुआ था। इसके कारण उनके खिलाफ परिवाद पत्र दायर किया गया था। कंगना रनौत से भी जावेद अख्तर का 36 का आंकड़ा है। आए दिन दोनों की झड़प दिखती है। अख्तर कंगना के खिलाफ भी विवादित बयान देते नजर आए हैं। इसी तरह पिछले दिनों जावेद अख्तर ने ट्वीट करते हुए कहा था, ओबामा के पिता केन्या के थे, उनके चाचा चाची अब भी केन्या में ही रहते हैं, मगर चूंकि ओबामा का जन्म अमेरिका में हुआ इसलिए उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया। शाहजहां भारत में पैदा होने वाली 5वीं पीढ़ी थे, उनकी दादी और माँ राजपूतानी थी, 75% राजपूत खून, लेकिन वो लोग अभी भी उन्हें विदेशी बोलते हैं। इस पर जावेद अख्तर खूब ट्रोल हुए। लोगों ने कहा, ओबामा ने शाहजहां की तरह अत्याचार नहीं किए थे, ना ही ओबामा के पूर्वजों ने भारत पर आक्रमण किया था। बहरहाल जावेद अख्तर के नासमझी भरे बयानों की लिस्ट काफी लंबी है। अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि कैसे बॉलीवुड में फिल्मों के जरिए जावेद अख्तर ने गलत नैरेटिव गढ़े हैं।